प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आंच से भी नहीं। इंतजार कर रहे हैं, तू बता काम हुआ? हाँ काम हो गया, पर थोड़ी गड़बड़ हो गई। आज तो सुजाता को अपमान का घुट पीकर ही अपना व्रत तोड़ना होगा। किसी ने हमारे खिलाफ साजिश रची है, मुझे कत्ल के जुर्म में फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। शंकर और सुजाता के अलग होने के बाद शंकर के बच्चों की परवरिश कौन करेगा? शंकर अकेला है, वो उन चार मासूम बच्चों को कैसे संभालेगा? मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सुजाता बहन, सुजाता बहन, सुजाता बहन, अरे क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? सुजाता, अब तो लगता है कि रिश्ते नाते भी सिर्फ कहने सुनने के लिए रह गए, सिर्फ एक दिखावा। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? जानना चाहते थे ना आप कि मैं भला ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि इस बात की वजह भी बहुत जल्द मेरे सामने होगी। किस जुर्म की बात कर रहे हैं आप? आखिर इन्होंने कौन सा जुर्म कर दिया जो आपने इन्हें हथकड़ी पहना दी? जानना चाहती हैं आप तो सुनिए, इन्होंने इनायत नाम के आदमी का कत्ल किया। किसी ने हमारे खिलाफ साजिश रची है, मुझे कत्ल के जुर्म में फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं, और ये दुनिया के सामने तुम्हें साबित करना होगा कि लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? हिम्मत रखो, पर मेरी हिम्मत तो आप है। सुजाता, इस घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। जब तक मैं बेगुनाह साबित होकर घर वापस नहीं आ जाता। आप बेगुनाह है, कानून आपको सजा नहीं दे सकता। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं आपको बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शंकर भाई और कातिल, नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। पुलिस तो यही समझती है कि वो कातिल, उन्होंने इनायत चाचा का कत्ल किया। इनायत चाचा का कत्ल? हाँ भैया, इनायत चाचा को मार दिया गया और उन्हीं के कत्ल के जुर्म में इन्हें फंसाया गया। पहले तो मुझे लग रहा था कि इस सब के पीछे किसी की बदमाशी शामिल है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि शंकर भाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। हाँ भैया, पर ना ऐसा नहीं होता कि इस शहर में कदम रखते ही इनायत चाचा को मार दिया जाता। फिक्र मत करो बहन,
मैं इस राज का पर्दाफाश करके रहूंगा और इस साजिश में शामिल हर शख्स को मैं सामने ला कर रहूंगा। साजिश रचने वाला किसी साजिश से क्या पर्दा उठाएगा? ये क्या उलझुल बके जा रही हैं आप? सच्चाई है ये, तुमने इनायत चाचा की हत्या करके शंकर को फंसाने की साजिश की है। तुमने बकवास कर रहे हैं आप, सरासर बकवास। झूठा इल्जाम आयत किया जा रहा है मुझ पर। इल्जाम? झूठा इल्जाम? हाँ, इससे पहले कि मैं शंकर से इस बारे में बात करता, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी साजिश करोगे और इनायत चाचा का कत्ल करके शंकर का फसाद होगे। एक मिनट, एक मिनट, क्या कहे जा रहे हैं आप? जो आपके मुंह में आ रहा है आप बके जा रहे हैं। जो खलासत आपकी जुबान उगल रही है ना, उससे तो साफ जाहिर होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब में आपका हाथ शामिल है। हा? क्योंकि इस कसम की कोशिश वही शख्स करता है जो अपने सर पर लगे इल्जाम किसी दूसरे के माथे मर देना चाहता है। श्वेता बहन, आप ही बताइए, क्या मैं शंकर भाई के साथ ऐसा कर सकता हूं? करूंगा। तुम कर चुके हो, कर चुके हो तुम। मुझे तो लगता है इसमें तुम दोनों की मिली भगत है। तुम दोनों ने मिलकर शंकर को रास्ते से हटाने की कोशिश की है। क्यों, किस लिए? एक वजह तो बताइए मुझे, एक वजह बताइए। मैं रास्ते से हटाने की कोशिश क्यों करूंगा? ताकि तुम अपने और सुजाता के नाजायज रिश्ते को छुपा सको। तो अपनी जुबान को मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो नाजायज रिश्ता है। नाजायज रिश्ता। एक लफ्ज अगर और निकाला ना अपनी इस गंदी जुबान से तो आज इसी वक्त तेरी जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। ये भी भूल जाऊंगा कि तुम शंकर के बड़े भाई हो। ये पाक साथ बाकी औरत जिसे मैं अपनी बहन कहता हूं उस पर इतना घटिया और घिनौना इल्जाम लगा रहे हो तुम? हाँ, मेरी जबान को चुप करवाओगे? हाँ, लेकिन इन तस्वीरों का क्या करोगे जो तुम दोनों की घटिया प्रेम कहानी की दास्तां बयान कर रही है? क्या करोगे इनका? एक बात कान खुलकर सुन लो, मैं अपने भाई का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, समझे तुम? शंकर ऑपरेशन के बाद किसी काबिल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का भी दामन थाम लो। ऐसे रिश्तों का अंजाम बुरा ही होता है। मेरी बात याद रखना। एए! बहन है या मेरी? मेरी बहन है। सुजाता बहन, देखिए आप, आप
से कितनी बार कह चुका हूँ कि इनाय चाचा को मैंने नहीं मारा है, उनका खून मैंने नहीं किया है। कब तक इस जुर्म से इनकार करते रहेंगे आप? सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कत्ल तुमने किया है, और ये बात मैं तुमसे उगलवाना चाहता हूँ, और तुम्हें ये कबूल करना होगा कि ये कत्ल तुमने किया है। आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं मैं कि ये एक साजिश है मेरे खिलाफ, ये एक साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने उन्हें नहीं मारा है, ये गुनाह मैंने नहीं किया है। मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। तुम्हारे ना मानने से अभी सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आप लोग एक बार प्लीज, सिर्फ एक बार मेरा यकीन तो कीजिए, इस मामले की छानबीन तो कीजिए आप लोग। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जितना अच्छा आदमी हूँ उतना ही बुरा भी। मैंने तुम्हारी बात मानी क्योंकि तुम्हारी बीवी करवा चौथ का उपवास खोलना चाहती थी तुम्हें देख के। मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम्हें तुम्हारे घर लेके गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और तुम्हें ये मानना होगा कि इनायत का कत्ल तुमने किया है। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये खून मैंने नहीं किया है, ये खून मैंने नहीं किया है। इनायत का कत्ल अगर किसी और ने किया है तो बता सकते हो कि ऐसा कौन है इस शहर में जो इनायत का कत्ल करेगा, और वो इनायत का कत्ल क्यों करेगा? ना ही इनायत का कोई सामान लूटा गया है, और ना ही कोई सामान उसके पास ऐसा था जो उसके कत्ल की वजह बने। देखिए, मैं तो खुद इस बात से हैरान हूँ कि इस शहर में आते ही इनायत चाचा का खून कर दिया गया। तुम चाहे बात को जितना भी घुमाने की कोशिश करो, लेकिन मैं ये तुमसे कबूल करवा के रहूंगा कि इनायत का कत्ल तुमने किया है, क्योंकि मुझे पता लग चुका है इनायत के कत्ल की वजह। उसकी वजह थी इनायत की लाश के पास पड़ा हुआ वो लिफाफा जो शायद इनायत अपने गांव से लेके आया था। लिफाफा? कैसा लिफाफा? बताऊंगा, वही तुम्हारे जुर्म की सबसे बड़ी बुनियाद है और हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत। आप मुझसे किस लिए मिलना चाहते हैं? ये मैं आपसे शंकर के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओ, तो आप शंकर के करीबी हैं? शंकर मेरा छोटा भाई है। कुछ नहीं हो सकता, अब उसके बारे में जो भी फैसला लेगी वो सिर्फ कोर्ट ही लेगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई बेकसूर है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। आप उसके भाई हैं, और भाई होने के नाते आप भी यही कहेंगे कि आपके भाई ने कत्ल नहीं किया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हमने उसे वारदात वाली जगह से गिरफ्तार किया है। हमारे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी है और गवाह भी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पुलिस को गुमराह करने के लिए लोग अक्सर साजिशें करते हैं, हो सकता है आपको भी गुमराह करने की साजिश की जा रही है। अच्छा, तो आप बताइए, अगर शंकर ने इनायत का कत्ल नहीं किया है तो फिर इनायत का कत्ल करके शंकर को फंसाने की कोशिश कौन कर सकता है? सिकंदर। सिकंदर खान नाम है उसका। क्या? सिकंदर? इंस्पेक्टर साहब, सिकंदर ने इनायत चाचा के साथ साथ शंकर को भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की है। लेकिन क्यों? इनायत और शंकर से सिकंदर की क्या दुश्मनी? इस जुर्म की बुनियाद एक नाजायज रिश्ते में। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे शंकर को मिलना है, क्योंकि अब तक तो शंकर को भी नहीं पता कि जिन्हें वो अपना समझता है उन्हीं अपनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या वो अब कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा आएंगे ना, वापस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अरे ये अंकल है ना, ये अंकल तुम्हारे पापा को वापस लेकर आएंगे। बेटा, वापस आएंगे तुम्हारे पापा।
मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पापा को आज भी नहीं आएगी। मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे पापा को वापस। मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे पापा को वापस बेटा। आई हुई है ना, और मुझे उनसे बात भी करनी है ना। आप लोग अंदर जाओ, हाँ मैं उनसे बात कर लूं। जाओ। हिम्मत बता रही सुजाता बहन, आपके सुहाग को आंच तक नहीं आएगी। तारीख के औराक गवाह है कि जब जब एक मुसलमान ने किसी से कोई वादा किया है तो अपनी जान देकर भी उस वादे को निभाया है। और ये सिकंदर खान आज आपसे वादा करता है कि बहन मैं तुम्हारा सुहाग तुम्हें लौटाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं तुम्हारा सुहाग तुम्हें लाकर दूंगा। ये वादा है सिकंदर खान का तुमसे। कोई वादा नहीं चाहिए मुझे आपका, कोई वादा नहीं चाहिए। चले जाइए यहां से, चले जाइए। क्या कह रही हैं आप? इन मासूम बच्चों को इस हालत में छोड़कर चला जाऊं मैं? अरे लानत है मुझ पर, मामू हूं मैं इन बच्चों का। ये भांजे हैं मेरे, मेरे बच्चे हैं। कोई रिश्ता नहीं हमारा आपसे, मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। मैं और कलंकित नहीं होना चाहती, अपने बच्चों के लिए जी रही हूं। मुझे जीने दीजिए, आप क्या चाहते हैं? आप मेरे बच्चों को पूरी तरह से अनाथ कर देना चाहते हैं? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, और फिर कभी इस घर में कदम भी मत रखिएगा। चले जाइए यहाँ से। सुजाता बहन, चाचा को नहीं मारा भैया, मुझे फसाया गया है, फसाया गया है मुझे। मैं जानता हूं शंकर, तुम्हें फसाया जा रहा है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें फसाने की कोशिश कौन कर रहा है। क्या आपको पता है भैया? हाँ मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हें इन सलाखों के पीछे पहुंचाने में तुम्हारी पत्नी सुजाता और सिकंदर का हाथ है। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूँ जो सच है, सब जान गया हूँ मैं। इस तरह के घटिया रिश्तों में यही सब होता है। लेकिन वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे भैया?
सुजाता मेरी पत्नी है और सिकंदर उसे बहन मानता है। सुजाता को बहन मानने का ढोंग कर रहा है वो सिकंदर। ताकि तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सके। कौन सी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हो? उस पत्नी की जिसने तुम्हारी इज्जत को सरेआम उछाल दिया, जिसने तुम्हारे साथ साथ हमारे विश्वास को भी तार तार कर दिया है। नहीं भैया, ये सच नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी पत्नी का कैरेक्टर गिर गया है, वो अपनी मर्यादाएं खो चुकी है। नहीं भैया नहीं, ये झूठ है, झूठ है। ये सच है। मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सुजाता के सिकंदर के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। मैंने कहा ना, ये झूठ है भैया। कैसे भाई हैं आप जो अपने भाई की पत्नी अपने घर की इज्जत पर इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम? उन दोनों ने मिलकर तुम्हें कानून के जाल में फंसा दिया और अब भी तुम उनकी वकालत कर रहे हो। तुम सबूत देखना चाहो? सबूत है मेरे पास, जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर में क्या हो रहा था। देखना चाहोगे तुम? देखो अपनी आंखों से। नहीं भैया, ये तस्वीर मेरा विश्वास नहीं टिका सकती। क्या? हाँ भैया, वो मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी, मेरा विश्वास। दुनिया उसे समझे या ना समझे, मैंने उसे समझा है। अरे आप तो सिर्फ मेरे भाई हैं। अगर भगवान ही मुझसे कहना कि वो गलत है तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा। मेरा विश्वास इतना कमजोर नहीं है भैया कि इतनी आसानी से टूट जाए। मैं नहीं मानता और मैं कभी नहीं मानूंगा। जाइए यहां से। तुम मेरे सामने इस बात को मानने से इनकार कर रहे हो जबकि तुम्हें इस बात का पहले से ही पता था। इसलिए तुमने मुझे फोन पे जिक्र किया था ना कि औरत के चरित्र को तो भगवान भी नहीं समझ सकते, फिर हम क्या चीज़ है? हाँ मैंने कहा था भैया, कहा था मैंने, लेकिन वो बात मैंने सुजाता के लिए नहीं कही थी। फिर किसकी बात कर रहे थे तुम? क्यों इतने दुखी थे? कौन सी औरत के कैरेक्टर को समझ नहीं पाए तुम? पंत्रा भाभी। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा मेरे मौला, सलमा बाजी पर ये क्या कहर बरपा है। अपने प्यारे हबीब के सदके तुफैल उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, रहम का मामला फरमा दे मेरे मौला। ताकि जीजू को अगर शंकर से इस बात का पता भी चले तो आप ये कह सकते हो ना कि सुजाता के बहकावे में आकर आप पर ये इल्जाम लगाया। हाँ, मुझे बेगुनाह साबित करने की लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या।